दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। 500 फिजूल की ईमेल देखनी पड़ेगी, वो जो कंप्यूटर पर आए हैं लेटर सारे पढ़ने पड़ेंगे। देख, पूरा ना पढ़ें आप, लेकिन पहले तो आपको एक नजर तो डालनी पड़ेगी उस पर, फिर आप उसे हटा दें, फिर दूसरी देखेंगे। इस तरह से आपको सूचनाओं का प्रवाह, फ्लड, बाढ़ सामने से आ रही है और मनुष्य उसमें बहा जा रहा है। और विचित्र बात यह है कि बहुत अप्रत्यक्ष रूप से हमने अपनी नई पीढ़ी को सूचनाओं के जाल में फंसा दिया है और उसको हमने समझा है कि ये ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान के क्या उपयोग हैं, इस पर मैं अभी आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन असली बात यह है कि विचार और ज्ञान दोनों सूचनाओं से पृथक चीज हैं। सूचनाओं को साथ में रखकर आप विचार कर सकते हो, लेकिन सूचनाओं से पहले आपको वो जो दृश्य के द्वारा आपके मन तक भावनाएं पहुंच रही हैं, उसमें आपको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए कि इनमें से कौन सी भावनाएं, कौन सी तरंगे, कौन से विचार हमारे मानसिक जगत में प्रवेश करने लायक हैं और कौन से नहीं हैं। वहीं पर एक डिवीजन, एक विभाग हो जाना चाहिए, जो हम प्रायः नहीं करते। और फिर क्या होता है कि फिर वो लोग हमें चलाते हैं, वो हमें संचालित करते हैं, हमारे मन को वैसा बनाते हैं जैसा वो चाहते हैं। उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट करना है और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो हमारे मन को और खास तौर से हमारे बच्चों के मन को इस तरह से बांधते हैं, ऐसे आकर्षक एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, ऐसे स्लोगन कि हमारे बच्चों को याद हो जाता है, फिर बच्चे जिद करते हैं, नहीं वही ब्रांड वाला टीवी चाहिए, वही वाला ये चाहिए, वही वाला चॉकलेट खाना है, वही ये खाना है, वही वो करना है। बड़े सूक्ष्म तरीके से नई पीढ़ी के मनोजगत से रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, सारी भारतीय मिठाइयां हटा करके कैडबरी के चॉकलेट स्थापित कर दिए गए हैं। कुछ मीठा हो जाए, देखा है आपने एडवर्टाइजमेंट, पास हो गया है पप्पू तो कुछ मीठा हो जाए। कौन सा मीठा? लड्डू नहीं, चॉकलेट। धीरे धीरे बड़े सूक्ष्म, बड़े माइन्यूट लेवल पर ये भावनाएं प्रहार करती हैं, हिट करती हैं, चोट करती हैं, और धीरे 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 मनुष्य का मन वैसा ही ढलता जाता है। तो ये बड़े सूक्ष्म संवेदनशील चीजें हैं और इन पर किसी का ध्यान नहीं है। बहरहाल हमें, जो लोग भाग्यशाली हैं, जिनको अच्छे विचारों की और अच्छे लोगों की संगति प्राप्त है, उनको इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि वो अच्छे विचार और अच्छे लोगों का संग जोड़े। क्यों? मान लीजिए आप अच्छे विचार आपके मन में हैं, अकेले अकेले आप अच्छे विचारों के बीच रहते हैं, आप उन अच्छे विचारों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे और आपके मन में भी अच्छे विचार देर तक नहीं रहेंगे। इसलिए एक जैसे, अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों का संग और उनका संगठन जरूरी है। एक शब्द है संग, एक शब्द है संघ। संग और संघ दोनों में अंतर है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संग का होना है कि आप दोनों संग संग जा रहे हैं गांधीधाम, अहमदाबाद, ये संग हुआ। संघ का मतलब होता है कि कुछ लोग जो एक विचार वाले हैं, उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई, अपना एक संगठन तैयार किया। संगठन के द्वारा विचार दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं और प्रयोग में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। कितनी विचित्र बात है कि दुष्ट विचार रखने वाले लोग, दुर्व्यसन रखने वाले लोग बड़ी जल्दी संग बना लेते हैं और बड़ी जल्दी संघ बना लेते हैं। दुष्टों का संगठन बड़ी जल्दी तैयार होता है, बड़ा मजबूत होता है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है। अफगानिस्तान से, दुबई से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इटली से, कहां कहां से अफीम के तरह तरह के पाउडर और नशीली चीजें चल करके आती हैं। कहां पर? भारत में और देशों में, और उन उन देशों की पुलिस और सारे देशों की पुलिसों का जो संगठन है, शायद उसे इंटरपोल बोलते हैं, वो सब उनके पीछे रहते हैं उनको पकड़ने के लिए, है ना।
लेकिन इसके बावजूद सारा धंधा कारोबार चलता रहता है। और किसी मोहल्ले में चार गुंडे संगठित होते हैं, साथ साथ होते हैं, संगठित होते हैं, और पूरी कॉलोनी उनके सामने नतमस्तक रहती है, चाहे जिसको वो सताएं, चाहे जो करें। एक बस में तीन गुंडे, तीन बदमाश किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे होते हैं और सारी बस के लोग देख रहे होते हैं टुकुर टुकुर। क्यों? वो सारे मन ही मन ये चाह रहे हैं कि ये बुरा काम नहीं होना चाहिए। सब उन तीन गुंडों के खिलाफ हैं, पर यूनाइटेड नहीं है, संगठित नहीं है। और संगठन तब हो जब संघ हो, कम से कम विचारों का संघ। तो वो विचारों का फैलाव नहीं होता, अच्छे विचार फैलाए नहीं जाते तो संगठन भी नहीं बनता। तो इस कारण अच्छे विचार, एक तरह के विचार रखने वाले लोग आपस में कभी कभी संग करें, मिलते जुलते रहें, और मिलने जुलने के बाद उन विचारों को व्यवहार में लाने के उपाय सोचें। दूसरा, उन विचारों को फैलाने का भी उपाय करें, क्योंकि अगर आप सिकुड़ते जाएंगे, थोड़े लोग ही कुछ विचारों को मानने वाले होंगे, तो वो शक्तिहीन रह जाएंगे। और कोई एक विचार जो गलत है, उस विचार को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो आम आदमी का जो मन होता है ना, वो इस डिजाइन का होता है कि वो क्या सत्य है क्या असत्य है इसका खुद निर्णय नहीं कर पाता। उसके लिए निर्णय करने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, ज्यादा लोग जिसको कर रहे हैं उसका ये मेजरमेंट होता है, उसका पैमाना नापने का ढंग ये होता है, ठीक और गलत को नापने का ढंग ये होता है कि ज्यादा लोग जिस काम को कर रहे हैं वही ठीक होगा, ज्यादा लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वही सही रास्ता होगा। ये एक सामान्य आदमी की साइकोलॉजी होती है और ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए अगर सच को जानने वाले लोग और सच को, सत्य को मानने वाले लोग अगर अपने विचारों का, सत्य विचारों का प्रसार नहीं करेंगे, फैलाव नहीं करेंगे, तो वो सिकुड़ते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे और शक्तिहीन होते जाएंगे। इसलिए विचारों का फैलाव जरूरी है। तो कितनी विचित्र बात है कि दुर्जन, एक दुष्ट व्यक्ति जिसके जीवन में एक दुर्व्यसन है, एक बैड एडिक्शन है, वो अपने एडिक्शन में फांसने के लिए दूसरे को प्रयास करता है। एक 17 साल का लड़का जो सिगरेट पीने लगा है, कोई एक जने जाइए, 17 साल का एक लड़का जो सिगरेट पीने लगा, अपने साथी दोस्त को क्या कहता है बताइए, जरा पी के तो देख कैसा लड़का है। जिसने न पी सिगरेट की कली, उस लड़के से लड़की भली। हाँ, तरह तरह के प्रमाण देगा, जरा पी के देख, पहली बार पीने से इस ना पीने वाले को खांसी आएगी, धसका लगेगा, कोई बात नहीं, इतना ही, कल फिर ट्राई करना। ऐसे करके एक दुर्व्यसन रखने वाला अपने दुर्व्यसन में दूसरे को भी फंसाने की चेष्टा करता है। और सज्जन लोग जो अच्छे विचार, सच्चाई जान चुके हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि सच्चाई का एक रस है, सत्य ज्ञान का एक रस है, सुविचार का एक रस है, तो वो रस उन्हें मिल गया, उतने से वो तृप्त हो जाते हैं। पर तृप्ति और आगे बढ़ती है अगर आप दूसरे को भी उस सुविचार के संग में लाएं, अच्छे विचार के घेरे में लाएं, तो आपकी तृप्ति और अधिक कई गुना बढ़ेगी। तो जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, एक झाड़, एक पेड़ मैदान में अकेला खड़ा हुआ है, इस बात की 90% संभावनाएं हैं कि वो वृक्ष टूटेगा, वो आंधी के और तूफान के प्रहार को नहीं झेल पाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर 5 पेड़ पास पास इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो इस बात की 90% संभावना है कि भयंकर से भयंकर तूफान उनमें से किसी एक वृक्ष को भी नहीं उखाड़ सकता। अथ ये संघता वृक्षा संघशा सुप्रतिष्ठिता ते ही तीव्रतमान वातान सहन्ते न्यून्य संश्रयात्। एक दूसरे का आसरा मिल जाने की वजह से जो संघ के रूप में वृक्ष खड़े हुए होते हैं, तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो एक विद्वान आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले अपने कमरे में है,
तो इस बात की संभावना है कम से कम 50% कि वो ईश्वर प्रार्थना किए बिना भोजन कर लें, जो उन्हें नित्य कर्म करना चाहिए ईश्वर प्रार्थना वाला। भाई शौच लगी है, लैट्रिन लगी है, ये है वो है, तो वो तो नेचुरल काल है, उसके लिए तो आदमी को जबरदस्ती जाना पड़ता है। आपको पता है इतनी ठंड पड़ी इस बार कि कार के ऊपर इतनी इतनी बर्फ जम गई थी बाहर की बर्फ, यहां भी काफी ठंड पड़ी, तो उतनी बर्फीली हवाओं के बीच जब रजाई में घुस गया है आदमी, उसके बाद उसे महसूस हुआ कि पेशाब जाना है। रजाई में घुस गया, गर्मी आई थी और बाहर बर्फीली हवा चल रही है, कपड़े अपड़े उतार के, स्वेटर वेटर उतार के रजाई में घुस गया, अब गर्म है शरीर, अब वो चाहता है कि मेरे बदले ये काम कोई और कर लेता, पर ये संभव नहीं है तो उसे उठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर रजाई में घुसने से पहले प्रार्थना करनी है, ईश्वर प्रार्थना करनी है, ये अगर है भाव तो अकेला है तो वो अपना कर लेगा। लेकिन अगर चार लोग एक साथ एक ही कैटेगरी के एक ही स्तर के एक कमरे में हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे, प्रार्थना भी नहीं करते, संध्या भी नहीं करते, वो क्या कहेंगे। इस वजह से सबको एक दूसरे के ख्याल से करने के लिए बैठ जाना पड़ेगा। ये होता है सोशल प्रेशर, इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। तो इसलिए अपना समाज, अपने विचारों के लोगों का संघ और संघ दोनों बनाना जरूरी होता है, नहीं तो विचार मजबूत नहीं रहते, धीरे धीरे माइंड से वॉश आउट हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और फिर उनका उनको शक्ति नहीं आ पाती, वो शक्तिहीन हो जाते हैं, प्रयोग में नहीं आ पाते। इसलिए इस विचार शक्तिशाली रहें, जीवित रहें, इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। एक, विचारों को बार बार सुनते रहें या पढ़ते रहें, तो विचारों को, अच्छी बातों को पढ़ते रहें या सुनते रहें, बार बार उन विचारों के संपर्क में आए और अच्छे लोगों के संपर्क में आए, और आप एक लेवल पर आ गए हैं योग्यता के, विचारों के, अच्छाई के, तो अपने से और ऊंचे लोगों की तलाश करेंगे, तो आपको अगर अपने से अपने समकक्ष लोग जीवित नहीं मिलते, है ना, मान लीजिए कोई एक बहुत विद्वान हो गए, अब अपने से ज्यादा विद्वान कोई उन्हें नहीं मिलता जो अपने से ज्यादा अच्छे संग को वो प्राप्त करें, सत्संग यानी अपने से अच्छा, अपने से बेहतर, जिसके साथ बैठकर हम कुछ ऊंचे हो सकेंगे, हमें और कुछ अच्छी बात मिल सकेगी, नहीं मिल रहे ना तो क्या करें। बड़ा सरल उपाय, आप अच्छे ऋषियों की, विचारकों की, दार्शनिकों की, वैज्ञानिकों की किताब लीजिए, और आप उतने समय के लिए जितनी देर आप उस किताब में डूबे आप उन ऋषि के संग हैं। ऋषि दयानंद अगर अभी यहां आ जाएं तो आप क्या करेंगे, उनका उनका शरीर चख के देखोगे या उनकी शक्ल सूरत देखोगे, शक्ल सूरत तस्वीर देख रखी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी बॉडी, उनका होना, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, उनकी शारीरिक उपस्थिति बिल्कुल उपयोगी या जरूरी नहीं है। उनका उपयोग क्या है, वो एक ऋषि है, एक तत्व दृष्टा है, तो भाई उनके विचार ही तो सुनेंगे आप, वो साक्षात हो तो वाणी से सुन सकोगे, उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज है उनकी लिखी हुई चीज, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान ऋषि जब बोल रहा होता है तो उस बोलने में, बोलने के प्रवाह में बहुत सारी बातें, कुछ श्रोता भी सब एक ही स्तर के नहीं होते, इसलिए उसे एक बात पांच सेंटेंस में कहनी होती है, विस्तार से थोड़ा कहता है, इधर उधर की बातें भी मिश्रित हो जाती हैं, लेकिन जब वो लिखता है, और कोई बात गलत भी निकल सकती है, लेकिन जब लिखता है तो पांच बार सोचता है एक वाक्य लिखते हुए, ऐसे लिखूं या इस तरह लिखूं, कैसे ज्यादा इंप्रेसिव होगी ये बात, ज्यादा प्रभावशाली होगी, इसलिए लिखी हुई किताब ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो जैसे ही हम उन ऋषि के लिखे हुए संपर्क में आते हैं, विचारों के संपर्क में आते हैं, बस उतनी देर के लिए हम उनके सत्संग में होते हैं। तो लीजिए कुछ देर अच्छे विचारकों, ऋषियों, ज्ञानियों के संपर्क में रहें। पर एक काम और भी कीजिए, आप अपने से जैसे, जिस तरह आप अपने से ऊंचे और अच्छे लोगों का सत्संग चाहते हो, तो आपके नीचे वाले भी तो आपका सत्संग चाहेंगे, तो थोड़ा अपना सत्संग उन्हें देने की कोशिश कीजिए। कोई आपसे कम योग्य, कम विचारवान और ऐसा थोड़ा लोअर स्तर का आदमी, कम स्तर का आदमी आपके संपर्क में है, वो आपको जानता है कि आप बहुत बड़े हैं, बड़े
विचारक हैं, बड़े डॉक्टर हैं, समाज में आपका स्टेटस है, बड़ी प्रतिष्ठा है, वो पहल नहीं करेगा आपके नजदीक आने की, उसके उसके मन में एक झिझक होगी, एक संकोच होगा, आपको थोड़ा अपने लेवल से नीचे आ जाना है। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करने के लिए, उनकी व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने पूरा एक अध्याय खर्च किया है, उसमें श्री राम के गुणों का ही वर्णन है। उन सारे गुणों को छोड़िए, एक गुण भगवान श्री राम की विजय में सबसे बड़ा रोल जिस गुण ने निभाया वो क्या है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम कैसे हैं, वो स्मित पूर्व भाषी है। स्मित पूर्व भाषी का मतलब होता है दो लोग पास पास बैठे हैं, उनमें बातचीत शुरू नहीं होती, बैठे रहेंगे। खास तौर से मुझे एसी की यात्रा, एयर कंडीशन क्लास की यात्रा पसंद है, इसलिए कि उसमें सुविधा मिलती है, अच्छे तरीके से यात्रा हो जाती है, आप फ्रेश रहते हो। लेकिन नापसंद इसलिए कोई किसी से बात ही नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर ट्रेन लेट ना हो जाए, कुछ और बात ना हो जाए, तो उनके मुंह नहीं खुलेंगे, ऐसे बैठे अपने अपने अहंकार में। सामान्य आदमी किसी से खुलते झिझकता है, और अगर उससे अहंकार है किसी चीज का, फिर तो और भी ज्यादा। तो राम जो है क्या है, मुस्कुराकर पहले बात शुरू करते हैं, स्मित पूर्व भाषी, मुस्कुराते हुए पहले बातचीत शुरू करते हैं। दूसरे वाले के मन में झिझक होगी, होती रहे, वो पहले बात शुरू करते हैं। और यही गुण है कि अनजाने अपरिचित वनवासी लोग उनके मित्र हो गए। अयोध्या से सेना आई थी लड़ने के लिए रावण से, वनवासी लोग मित्र हो गए, इतने मित्र हो गए कि जान देने के लिए तैयार हो गए, हम हैं ना तुम्हारे साथ, चलो पराजित करते हैं असुरों को, राक्षसों को। यह है राम के गुण का वैशिष्ट्य। तो ये गुण जो ऊपर हैं लोग, जो कुछ विशेषता रखते हैं, जिनको अच्छे विचारों का ही रोशनी मिल चुकी है, थोड़ा नीचे उतरें और उनके लेवल पर उतर करके थोड़ा प्रेम से, थोड़ा मिठास से, थोड़ा मुस्कुराते हुए पहले उनका दिल जीते, उसके बाद दिमाग। आर्य समाज के लोग क्या करते हैं, विचार बड़े तगड़े उनके पास हैं, तो सीधे दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, लॉजिक, तर्क, दलील, क्रिटिसाइज नहीं, पहले दिल में जाओ, फिर दिमाग का रास्ता यूं, पहले निचली वाली सीढ़ी पे पैर रखोगे ना, पहले मन में प्रवेश करो फिर मस्तिष्क में। हम सीधी चोट पहले मस्तिष्क में जाके करते हैं, नहीं, थोड़ा एटीट्यूड बदलना होगा। तो अच्छे विचारों के संग में अपने से नीचे वाले लोगों को लाना है, अपने से ऊपर के उसमें भी जाना है। तो अपने से ऊपर जो लोग मिले पकड़ के बुलाइए, उनके संग उनके विचार सुनिए, नहीं तो पढ़िए, एक अच्छी किताब आपके पास है, आप उस समय उतने समय के लिए आप उन ऋषियों के साथ होते हैं, महात्माओं के साथ होते हैं, अच्छे लेखकों की किताब साथ रखें, नहीं तो अपनी लाइब्रेरी में, अपने घर में रखें, कभी भी उठाकर पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ी देर अपने संग रहो, अपना संग, थोड़ी देर अपने पास बैठिए, अपना चेक कीजिए, अपने विचारों को जानिए, व्यवहार को जानिए, अपने कर्तव्यों का निरीक्षण कीजिए, क्या मैं ठीक ढंग से अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मेरी जो ड्यूटीज हैं, मेरे जो कर्तव्य बनते हैं, क्या मैं उन्हें ठीक से निभा रहा हूँ। मेरा बिजनेस कल तक कहाँ था, आज में से कहाँ तक पहुँचा, बिजनेस अब बच्चों ने संभाल लिया, बच्चे बड़े योग्य हो गए, अब मुझे और क्या नया करना चाहिए, इत्यादि जो अपने जीवन को जांचता रहता है, थोड़ी देर, 10 मिनट, आधा घंटा या सप्ताह में 1 घंटा अपने संग बैठने के लिए, खुद अपने अंदर उतरने के लिए, अपनी चेकिंग के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए निकालता है। स्वाध्याय का मतलब अपने आप पढ़ना नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये भी होता है कि अपने बारे में पढ़ना, अपने बारे में जानना, अपना अध्ययन भी स्वाध्याय है। डॉक्टर साहब योगेश जी आज मुझसे पूछ रहे थे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या कभी अपनी ऑडिट करती हैं, उनकी ऑडिटिंग होती है? तो मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हर साल उनका हिसाब किताब ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है उनका। नहीं, वो वाला नहीं, खुद अपनी ऑडिटिंग, अपने को जांचना कि कितना इनपुट डाला उसमें, कितनी मेहनत की थी, उसका आउटपुट क्या है, आप जिस उद्देश्य के लिए चल रहे थे उस उद्देश्य की तरफ आपने कितने कदम आगे बढ़ाए। और मुझे तुरंत सूझा ये बात, मैंने उनसे नहीं की, क्या आर्य समाज के लोग हम कभी इस बात के लिए मीटिंग करते हैं कि हम 130 वर्ष पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कहां थे, 50 वर्ष में कितना आंदोलन उस समय के लोगों ने आगे बढ़ा दिया, उसके बाद पिछले 50 वर्ष से अब तक
गतिहीनता है तो क्यों, गतिशीलता है तो क्यों, आगे की प्लान क्या है इत्यादि। ये जो स्वाध्याय है इसको जो व्यक्ति करता रहता है, अपने संग थोड़ी देर बैठता है, वो जीवन में प्रगति करता है। और इसके बाद है कुछ देर ईश्वर के संग बैठो, उसके साथ बैठो, उसकी उपासना में जैसे ही आप बैठेंगे उलझी हुई परिस्थितियों का मार्गदर्शन होगा, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी और बड़े से बड़ा दुख जो पहाड़ जैसा है वो सरसों के राई के दाने जैसा रह जाएगा। ये ईश्वर की उपासना का फल है। उसकी विशेष प्रेरणा, विशेष ज्ञान, विशेष मार्गदर्शन, विशेष प्रेरणाएं अगर चाहिए, गायत्री मंत्र में सीधे से यही प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरे बुद्धि और मन को शक्तिशाली बनाओ और ठीक दिशा में ले चलो। उसकी प्रेरणाएं, उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन इस मंत्र के द्वारा, या वैसे ही जब आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे होते हैं उतनी देर के लिए आप ईश्वर के संग होते हैं। सत्संग का इतना विस्तार है, सत माने अच्छा, अच्छाई की ओर बढ़ना, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे विचारों का साथ, ऋषियों की किताबों का, अच्छे विचारकों की किताबों का अध्ययन, अच्छे विचारों के संपर्क में रहना, अच्छे विचार वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, उस शक्ति को बढ़ाना, अपने साथ कुछ देर रहना, ईश्वर के साथ कुछ देर रहना। जब सत्संग इतने परिधि में फैलता है तब वो हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब तरह से मंगलदायक होता है। तो बातें तो इस बारे में मुझे और बहुत कुछ कहने की है, बस एक बात सुना दूं और बात समाप्त करूं। एक बड़े धर्मगुरु और एक गवर्नमेंट की, रोडवेज की, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट की बस का ड्राइवर मरने के बाद ऊपर पहुंचे, कहीं धर्मराज अगर होते होंगे तो वहां पहुंचे तो उनका फैसला किया गया किसको कहां भेजा जाए, स्वर्ग में या नरक में। तो जो बड़े धर्मगुरु थे भाषण दिया करते थे लंबे लंबे, उनको नरक में भेजने का इंतजाम कर दिया गया, और वो जो ड्राइवर जो था उसको स्वर्ग में भेजने का। तो धर्मगुरु ने बड़ी उससे कहा, धर्मराज से, कि देखिए मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है, आपको पता नहीं मैंने कितने गीता पर प्रवचन दिए हैं, कितनी मैंने भागवत की कथाएं की हैं, कितना मैंने इतना इतना धर्म प्रचार किया है, कितने मैंने लेक्चर दिए हैं, और ये ड्राइवर इसने कितने एक्सीडेंट किए मुझे मालूम है, एक बार तो मैं ही बचा था इसकी बस में बैठे बैठे, और जो है इसको आप स्वर्ग भेज रहे हो, इसने ऐसा क्या किया है जो इसे आप स्वर्ग में भेज रहे हैं, और मेरा सब इतने पुण्य प्रताप सब बेकार गए, इतना मैंने भगवान की कथाएं लोगों को सुनाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने फैलाने की कोशिश की दुनिया में। तो धर्मराज ने कहा कि देखो अंतिम रूप से तो कर्म का परिणाम क्या हुआ इससे तय होगा ना, तुम जब लंबा लेक्चर देते थे तो लोग सोने लगते थे, और ये जो ड्राइवर जब खूब स्पीड से बस चलाता था तो लोग भगवान का नाम लेने लगते थे, इसलिए इसे स्वर्ग भेजा जा रहा है और तुम्हें नरक में, तो इसलिए मैं लंबा प्रवचन देने से बचना चाहता हूं, आप सोने ना लग जाएं, और सताम संगत तो अच्छे विचारों की संगति है, उसमें अगर थोड़ा सा पहले आपको लगेगा कि नींद भी आ रही है, तो क्या बोझिल बात है, समझ में नहीं आ रही, बड़ा बोरिंग बात है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अमृत की तरह फलदायक चीजें हैं वो शुरुआत में कड़वी लगती हैं। किसी बच्चे को स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगा, प्रेशर है, दबाव है, इसलिए पढ़ता है, बाद में पता चलता है कि विद्या का, ज्ञान का क्या लाभ हुआ। किसी को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मेहनत करने के बाद उसका सुफल मिलता है। तो ये सात्विक सुख हैं जो शुरू में कड़वे होते हैं, परिणाम जिनका अमृत की तरह आनंददायक है। तामसिक सुख वो हैं जो शुरुआत में बड़ा मजेदार लगते हैं, दुर्व्यसन, कोई भी बुराई, कोई भी बैड एडिक्शन, परिणाम जिसका जहर की तरह भयंकर है। तो भगवान श्री कृष्ण की सलाह है कि तामस गुणों, तामस सुखों से बचें और सात्विक सुख को स्वीकार कर लें। तो दो दिन का समय है, आज का एक सत्र पूरा हो गया और बचे हुए उन 6 सत्रों में हम कुछ ऐसी ही बातों से जुड़ेंगे जो ऋषियों ने, विचारकों ने हमारे जीवन को और अधिक सुखी और आनंदित बनाने के लिए की हैं। उनको सरल सुबोध ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश करता हुआ मैं दो दिन तक आपके बीच में हूँ। कल सुबह राजीव तैलंग, जो कि अच्छे गायक हैं, अपने एक साथी के साथ भी सुबह आ जाएंगे।
और हम जो लोग यहाँ प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं इसी प्रकार उन दिव्य विचारों के संग में रहने का और उन विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।